बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू हेल्दी फूड्स, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, यमी और फुल ऑफ चीज़। ये देखिए, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने ज़बरदस्त से बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, सेकंड वन मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, बहुत ही चीज़ी, जूसी, क्रिस्पी, ज़बरदस्त हमारे पोटैटो चीज़ रोल्स जो हैं आपको आज मैं बनाना सिखाऊंगी। बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, आप इनको लंच बॉक्स में डाल के इनके स्कूल के लिए खुद बना के दीजिए घर में। और वैसे भी पोटैटोज़ जो हैं वो बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। आइए इसको बनाना सीखें। आइए देखते हैं पोटैटो चीज़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हाफ के जी मैंने पोटैटो लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया, उनका छिलका उतार लिया, ठीक है। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च और टू पिंच जो है दो चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च। चीज़ है मेरे पास क्रश की हुई, ये ईजीली जो है जनरल स्टोर पर से मिल जाती है, आप लोग ले लीजिएगा। चलें जी, ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, दो अंडे हैं और एक प्याली है मेरे पास मैदा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आलू को इस तरीके से मैश कर लूँगी, सारे आलूओं को, ठीक है। इस तरीके से हम मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए व्यूअर्स, इनको मैंने क्रश कर लिया है। अगर आप इनको मैश करना चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। क्रश करने से पता है क्या होता है, इसमें जो है वो लम्स, गिल्टियाँ जो है वो नहीं रहती। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, हाफ टी स्पून नमक है, दो चुटकी मेरे पास है कुटी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून है काली मिर्च। इन तीनों चीज़ों को मैं इसमें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, ईजी से स्नैक्स हैं ये, बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी। बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना के दीजिए उनके स्कूल के लिए, और कभी आपका दिल चाह रहा हो कुछ अलग खाने के लिए तो आप इसको फौरी तौर पे बना के खा सकते हैं। मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे तरीके से। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथों पे ऑयलिंग करके, ऑयल लगा के इस तरीके से मैं इसकी बॉल बनाऊंगी। इस तरीके से बॉल बनूंगी, इसको मैं प्रेस करूंगी और इसमें डाल दूंगी चीज, ठीक है। अंदर इसके चीज डाल के फिर हम इसकी बॉल वैसे ही बना लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं इसको रख दूंगी इसी तरह, बाकी बॉल्स बनाएंगे। देखिए व्यूअर्स, बॉल्स मैंने बना ली हैं, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन बाय वन बॉल्स को मैं एक कोट करूंगी मैदे का इस तरीके से, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर हम इसको डिप करेंगे एग में, ठीक हो गया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद मैं इसकी कोट करूंगी जी क्रम्स में। ये देखिए, इसी तरीके से सारी बॉल्स की जो है मैं कोटिंग कर लूंगी। पहले मैदे में डिप करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे और फिर उसके बाद व्यूअर्स, इनको मैंने कोटिंग कर ली है। और इधर कढ़ाई में गर्म हो रहा है ऑयल, क्योंकि हम इसको करेंगे डीप फ्राई, ठीक है। ऑयल मैंने लिया है 2 लीटर इसमें, और फ्लेम की हुई है मैंने मीडियम। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं डाल दूंगी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हम इसमें डाल लेंगे। ठीक है, ऑयल को मैंने 2 मिनट पहले गर्म किया था, मीडियम फ्लेम पे ये सारी बॉल्स इसमें आ जाएंगी क्योंकि ऑयल ज्यादा है इसमें, इसीलिए। ठीक है, और ये बनी लास्ट, बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। जरूर ट्राई कीजिएगा, और व्यूअर्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखें व्यूअर्स, 2 मिनट इनको मैंने फ्राई किया है और इनका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं इनको निकाल लूँगी बाहर, और अगर हमने इनको ज़्यादा फ्राई किया तो फिर ये फट के जो है, क्रैक्स पड़ के इसमें से चीज़ जो है हमारी वो बाहर आने का खतरा होता है। चलें जी, अब मैं इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें व्यूअर्स, ये है हमारी फाइनल लुक किसकी, ज़बरदस्त से क्रिस्पी चीज़ पोटैटो बॉल्स जो हैं हमारी रेडी हैं। आप खुद खाएं, बच्चों को बना के दें, जिस टाइम भी आपका कुछ अलग सा खाने का दिल करे आप इसको फौरी तौर पे बना सकते हैं। ठीक है, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।